हेलो नमस्कार ब्रंद मार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक बात की गई प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है प्रिंस। और अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पत्रकार भी हैं, ठीक है। इनने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग की है, जो प्रदेश के अधिकारी हैं, ठीक है, मंत्री हैं, इनसे बात की तो उनने बोला है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किस कारण नहीं हो पा रहा, उनका उन्होंने कारण भी बताया, ठीक है प्रिंस। और समस्या ये बताई कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण इस कारण रुका हुआ है। तो मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को ये ऑडियो पूरा सुनना चाहिए, उस ऑडियो पे पूरा अमल करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों को पता चल जाएगा किस कारण अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण रुका है और किस तरीके से होगा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, इस ऑडियो में पूरा स्पष्ट बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्क्रिप्ट मत करें और वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। हेलो, चंद्रदेव शाह सिंगरौली से। जी सर, बोले। बोल रहा हूँ सर कि शंभू को आगे करिए, अब इन लोगों को छोड़िए। तो छोड़ दिया ना उनको, नहीं भी छोड़ेंगे तो अब वो हिम्मत थोड़ी उनमें जो सरकार से लड़ ले, वो है ना। उनको पकड़ा किसने भाई? इन लोगों के सहारे अतिथि शिक्षकों का भला नहीं होने वाला है। नहीं नहीं तो ये आप और हम समझ गए हैं, संख्या 40,000 है अतिथि शिक्षकों की, है ना। और ये अगर आप प्रदेश स्तर से ये बात बोलेंगे तो ये फिर लोग बोलेंगे कि ये तो संगठन दूसरे संगठन वाले हैं, इसलिए दूसरे व्यक्तियों की बुराई कर रहे हैं। भाई अतिथि शिक्षकों को न्याय चाहिए तो अपने अपने जिले में अतिथि शिक्षकों को इकट्ठा करिए, कितने लोग किस जिले में लड़ना चाहते हैं सरकार से, है ना जी हाँ। आप देखेंगे कि भाई बड़े से बड़ी आंदोलन को सरकार दमन कर सकती है, ये पता है आपको। हाँ कर सकती है ना, सरकार के पास धन बल सब है, धन बल है, पुलिस बल है, सब है उनके पास, धन और बल दोनों आ जाएगा। अगर नेता अगर मान लीजिए ज्यादा कोशिश कर रहा तो उसको पैसा देकर बिठा देगा। हाँ। और अगर कोई क्रांतिकारी आगे बढ़ रहा है तो उसको बल के द्वारा बिठा देंगे। तो ये अपने अतिथि शिक्षक की मानसिकता ऐसी है कि नौकरी कर लो, स्कूल चले जाओ और घर आ जाओ, इसमें ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं। जबकि कच्ची नौकरी को पक्का करना राज्य सरकारों के अधीन होता है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए इन लोगों को बोलो, आप अगर पत्रकार हैं, स्वयं पत्रकार हैं, आप लिख रहे हैं, आपने व्हाट्सएप डाला, वही सर बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ तो आप इनको बोलिए कि मध्य प्रदेश के समस्त जिले में अतिथि शिक्षकों की मीटिंग रखो, जब जब भी जो जो भी अतिथि शिक्षक जिस जिस भी, अभी 2-4-5 दिन में रख लो अगर आपको न्याय चाहिए तो। और मैंने ग्रुप पे, आप नहीं जुड़े थे उसके पहले भी बहुत बार लिख चुका हूँ, ये लोग नहीं समझ रहे इस बात को। भाई आप देखिए, आप अगर आप और मैं, आप फोन नहीं लगाते तो आपसे चर्चा कैसे कर पाता, बिल्कुल। तो अपने साथी जिले में कितने लोग हैं, कम से कम उनकी तो जानकारी हमें मिले कि कौन लोग नौकरी चाहते हैं। शंभू तो कल तंबू गाड़ देगा, चलो क्या इसमें बड़ी बात है, पर कम से कम न्याय किन लोगों को चाहिए ये तो देखना पड़ेगा ना, हर तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिले में। देखिए जिले में जितने भी लोग हैं उसमें से 20%-30% लोग ही जाएंगे। हाँ तो इसलिए तो वो जिला स्तर पे अगर आएंगे, उनको मालूम है, वो शिक्षक हैं। देखिए सर, शिक्षक को कभी समझाने नहीं पड़ता, अगर वो समझाने के बाद भी नहीं समझता वो शिक्षक नहीं है, उसको ना तो कोई सरकार नौकरी देगी ना कोई कोर्ट परमानेंट करेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता ही नहीं है कि उनके दरवाजे तक वो पहुंच जाए। तो ऐसे लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगाना मैं समझता हूँ मूर्खता है। आप कितने लोग अतिथि शिक्षक आपके लिए काम कर रहे हैं, आप कितने अतिथि शिक्षक जो है न्याय मांगते हैं, वो अपने संख्या अपने जिले में देखिए, भोपाल की जवाबदारी हमारी है। और जब भोपाल में आंदोलन हो तो मतलब एक दिन दो दिन के लिए ना हो। अरे वो हमारे ऊपर निर्भर करेगा सर कि हम कितनी जोर लगा के बैठेंगे। हाँ ये चीज है ना, कोई प्रदेश आप देखिए, कोई प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है जो आंदोलन बंद कर देगा। अभी आपने देखा कि ये जो संविदा कर्मचारी थे, ये जो लोग थे बेचारे कोरोना वॉरियर्स, और ये जितने भी लोग थे, इनके इनके प्रदेश अध्यक्ष ने आंदोलन बंद करवा दिया, आरोप लगा कि भाई ये ले दे के बैठ गया अध्यक्ष। तो अपन ने तो 10-12 साल अपना जीवन अमूल्य समय बिगाड़ चुके हैं, अब हमें पिछला जो घटित घटना उससे सीख भी लेना है ना। आगे सरकारें क्या कर सकती हैं, सरकार बनने के बाद 5 साल बताती है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो अब हमें ताकत के साथ बैठना है सर। आप देखेंगे सर। ये केवल
गुमराह हो रहे हैं अतिथि शिक्षक की ये भर्ती आ गई वो भर्ती आ गई। भाई वो केवल अभी भर्ती आई है, नौकरी तो आज जा रही है ना अतिथि शिक्षकों की, ये तो भर्ती आ रही है, इसमें किसका नाम आएगा नहीं आएगा, क्या पेपर आएगा, कितने अंक मिलेंगे। पर आज जो आपका, आज ही आपके सामने ही आपकी नौकरी जा रही है, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, ये दिक्कत है। सही तो बात है। देखिए कितने लोग न्याय चाहते हैं अपने जिले में, देखिए, और किसी ना किसी जिले से शुरुआत होगी, तभी तो 51 जिले के लोग आगे आएंगे सर। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि कुछ आजाद वाले हैं वो मना अरे यार करते वो तो हैं। देखिए लोकतंत्र में सब है। देखिए क्या है कि कुछ आजाद वाले हैं, आजाद के जो जिलाध्यक्ष हैं वो बोलेंगे अरे उसका उस ग्रुप वालों की मीटिंग है वहां मत जाना। नहीं ठीक, नहीं तो यही तो, अरे यार मेरी बात सुनिए, सफलता कहाँ से मिलेगी? आप देखिए ये जिला क्या है, अपना घर है, अगर अपने घर में 5 सदस्य है, अगर 5 सदस्य आपके कहने में नहीं चल रहे हैं, तो क्या बताओ आप प्रदेश स्तर पर 2 लोग बैठ के न्याय मिल जाएगा क्या? अभी अभी हाल ही में अपन ने देखा कि करणी सेना का आंदोलन सरकार ने मांग पत्र में लिया और बोल दिया कि जाओ, है ना, क्या परिणाम निकला? अब अगर अपना मांग पत्र में ले लेगा तो क्या होएगा इससे? अपने को तो न्याय चाहिए ना सर, बिल्कुल तो इसलिए अपने को डटना पड़ेगा। और ऐसी मानसिकता अगर रही कि उस संगठन वाले, भाई जब आप शिक्षक हैं, किसी व्यक्ति में इतना दम नहीं है तो फिर उसका काय का संगठन? काय का संगठन उसका? बहुत विडंबना हो गई है और इसी फिर चीज भी को अगर लेकर। उसी के चक्कर में आप अपना भविष्य दांव कर रहे हो, तो फिर हम और आप फांसी पे क्यों चढ़े, बताओ आप? जब आप सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे हो, शिक्षक होकर के आप सही गलत का विकल्प नहीं चुन रहे हो, तो फिर बताओ कौन फांसी पे चढ़ेगा इनके लिए? और वहां मुकदमे लगते, ऐसे थोड़ी होता है सर, पैसा खर्च करना पड़ता है, सही बात। उठ के चल दिए और घूम फिर के आ गए, ये आंदोलन होता है क्या? नहीं होता है सर। सरकार से डट के लड़ना पड़ता है सर, और किसके लिए लड़ो ये तो कम से कम अपने जिले में देखो। और अगर हमारी मानसिकता संगठन संगठन वाली रही तो फिर दोष किसी को मत देना, विधाता हम पे ही विपरीत है, ये आप मान के चलिए। बिल्कुल सरकार ने तो बहुत अवसर दिए थे कि आओ लड़ो, और सरकार भी ये देखती है कि वोट बैंक कितना है इन लोगों का। हमने मानसिकता बना ली, 100-200 रुपए की नौकरी कर ली, घर चले गए, कोई शिक्षक आ गया तो दूसरा स्कूल में चले गए, कब लड़े हम सरकार से? और जब चलिए मैं लड़े थे अपने जिले में देख रहा 2018 हूँ, में, अपने जिले में मीटिंग करके बुला रहा हूँ लोगों को। बुलाइए उनसे, पूछिए कौन सा संगठन का जिला अध्यक्ष है, कि भाई तू, तेरा प्रदेश अध्यक्ष है तो क्या क्या अगली क्या रणनीति है तुम्हारी, बताओ, है बिल्कुल ना, क्या दिक्कत है इसमें? लोकतंत्र में आप में दम है तो ठीक है, नहीं तो तू इस्तीफा दे इस जिला अध्यक्ष से, नहीं तो काहे का जिला अध्यक्ष फोकट का, सही बात। न्याय दिलाओ ना। मैंने अपने पोस्ट में पहले लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष, अतिथि शिक्षकों का प्रदेश अध्यक्ष बनना आसान है, परंतु उन्हें न्याय दिलाना मुश्किल है। गरीब को तो कह दिया कि हम तुम्हारे ये है वो है, पर ये है तो दिलाओ ना यार, कौन मना कर रहा है तुमको? तो दिलाने की क्षमता कहाँ है, बस यही नाम तो के तो भाई, हैं। यही सत्य असत्य जानने के लिए प्रदेश में नहीं जाना पड़ता है, अपने जिले में ही देख लीजिए, ये निवेदन है मेरा। और हम 3 साल से बोल रहे हैं लोगों को, और अपनी आप जुड़े हैं उसके बाद, एक पोस्ट मैंने पिछले जो डालता था वही डाली, आप उसको पढ़िए, पढ़े हैं भाई है ना सर जी, जी? ओके सर। थैंक यू।